बार फिर से स्टडी 58 परिवार के अंदर स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे प्रजामंडल के नेतृत्व में संपूर्ण आजादी के बारे में। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि वो लाइव आ जाए और लाइव सेक्शन को ज्वाइन कर लें, ताकि आज के हम सेक्शन को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जो भी लाइव सेक्शन को ज्वाइन करें, ज्वाइन करते ही कमेंट करें, ताकि पता चल जाए कि कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं। इससे पहले के पार्ट के अंदर हमने जो राजस्थान के अंदर, हाँ मुकेश जी स्वागत है आपका इस लाइव सेक्शन को ज्वाइन करने के लिए, तो इससे पहले हमने जो किसान आंदोलन थे, जनजातीय आंदोलन थे, उन आंदोलनों को हमने देख लिया था, है ना। तो आज हम जो राजस्थान के आज़ादी का जो चरण है, उस चरण की ओर आगे बढ़ेंगे जो प्रजामंडल के नेतृत्व में ही हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर। तो जो ब्रिटिश भारत है, हाँ सुभाष सिंह स्वागत है आपका, हाँ राम राम जी, है ना। तो भारतीय हम परिदृश्य के अंदर जब देखते हैं, हाँ शंकर देवासी जी स्वागत है आपका भी, तो हम देखते हैं भारतीय परिदृश्य के अंदर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश को जो आज़ाद करवाने का जो संघर्ष चल रहा था, लेकिन कांग्रेस का जो प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, जो देसी रियासतें थी उनके आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप करना था, यानी उनके अंदर कोई मामलों में इंटरफेयर नहीं करना था। तो इस कारण देसी जो रियासतें उनके अंदर जो आंदोलन चला आज़ादी के लिए, वो संपूर्ण आंदोलन इन प्रजामंडल और कुछ संस्थाएं थी उन संस्थाओं के नेतृत्व में ही चलाता, तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखो होता क्या है, जो भारत के अंदर ब्रिटिश शासन होता है और ब्रिटिश शासन से भारतीय बड़े क्या होते हैं, त्रस्त होते हैं। वैसे ब्रिटिश शासन ने ऐसी नौकरशाही का निर्माण कर लिया था कि वो नौकरशाही जो भारतीय जनता थी, स्थानीय या जो कह सकते हैं निम्न स्तर की जो जनता, जिसमें किसान या मजदूर थे, वो बड़े उनके शोषण से क्या, शोषण अत्याचारों से बड़े त्रस्त थे। और राजस्थान के अंदर ये त्रिस्तरीय शोषण का रूप था, यानी जब तीन शासक होंगे तो क्या होंगे, तीनों के ही शोषण से उनको सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ तीन स्तर थे, सबसे ऊपर था ब्रिटिश सरकार, उसके बाद थे देसी राजा, और देसी राजाओं के अंतर्गत थे सो सामंत या जागीरदार। तो इन तीनों स्तर के जो शोषण थे, उनके अत्याचार थे, इन अत्याचारों के अंदर राजस्थान की जो जनता है पिसी जा रही थी। यहाँ की जनता की अत्यधिक कर और लगान थी, बेरोजगार जो बेगार होती थी, बेगार से बड़े दुखी थे, जिसके बारे में हमने किसान आंदोलन के अंदर भी देखा था। तो ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर जब उत्तरदायी शासन की मांग की जाएगी, तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत बात थी। यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, इस आंदोलन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया था। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि आखिर ये प्रजामंडल आंदोलन है क्या, प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है। तो हम सीधा सा देख सकते हैं, राजस्थान में जो जन जागृति पैदा करके जो कुशासन को समाप्त करने के लिए और उसमें जो व्याप्त बुराइयों को दूर करने और नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जिन संगठनों की स्थापना की गई थी, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रजामंडल के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका उद्देश्य, उसके बाद हम कंटिन्यू पढ़ना क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो प्रजामंडल के उद्देश्य क्या थे, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि कुशासन यानी रियाती कुशासन को क्या करना था, समाप्त करना था, राजा के संरक्षण के अंदर उत्तरदायी शासन की क्या करनी थी, स्थापना करनी थी, और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करनी थी, रक्षा करनी थी। ये तो तीन मेन उद्देश्य थे। इसके अलावा जो सामंती शोषण है और अत्याचार का विरोध भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे वो इसी का ही पार्ट है, कुशासन का ही भी एक पार्ट है जो सामंती शोषण और अत्याचार है ना। इसके अलावा हम देख तो ये लेते, अगला कारण ये भी इसमें कह सकते हैं कि जो देश में चल रहे जो राष्ट्रीय आंदोलन, उनको क्या करना था, गति प्रदान करना था, उनको सपोर्ट प्रदान करना था। ये किसका उद्देश्य था, इस प्रजामंडल का उद्देश्य था। तो आज के लिए इसको चैप्टर से हम आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए जो लाइव सेक्शन को जुड़ चुके हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको कि मेवाड़ पुकार नाम से एक 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ के महाराणा को दिया था, तो उस व्यक्तित्व का नाम बताना जिसने 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ के महाराणा को भेजा था, तो आप कमेंट करके इसके बारे में बताएं। अब हम इसको प्रारंभ करते हैं।
जिस समय अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक चेतना फल रही थी। क्यों देखो, अखिल भारतीय स्तर पर, जहाँ अखिल भारतीय स्तर मतलब वो प्रांत जहाँ पर ब्रिटिश शासन का क्या था, सीधा नियंत्रण था, तो ब्रिटिश प्रांतों के अंदर राजनीतिक चेतना हो रही थी और वहाँ चेतना का अगुआ कौन था, कांग्रेस थी। तो कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी जी जैसे मुख्य जो नेतृत्वकर्ता थे उनके नेतृत्व में वहाँ राजनीतिक चेतना जागृत हो रही थी। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक थे, आदि सब ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। तो इन जो भारत के अंदर होने वाली जो गतिविधियाँ हैं, इन गतिविधियों से राजस्थान भी अछूता नहीं था, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी इन गतिविधियों से बड़ा प्रभाव फैल रहा था और राजस्थान के अंदर भी जो राजनीतिक चेतना है वो राजस्थान के लोगों के अंदर जागृत हो रही थी। इसका कारण क्या था? जो जितने भी बाहरी स्तर पर जो भी संगठन हुए, उन संगठनों के अंदर राजस्थान के भी नेता भाग लेते रहे। यहाँ विभिन्न संस्थाएं जैसे राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 के अंदर कहाँ पर हुई थी, वर्धा महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, जहाँ पर अपने गांधी जी का आश्रम था। तो इसकी स्थापना ही राष्ट्रीय स्तर की जो गतिविधियां उन नेताओं की भागीदारी के अंदर हुई, तो सीधा सा राजस्थान के जो नेता है उनका जुड़ाव किससे हो जाता है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से हो जाता है। इसके अलावा राजस्थान मध्य भारत सभा है, तो ये भी, इसकी भी स्थापना राजस्थान से बाहर होती है, दिल्ली में होती है। तो इस तरीके से राजस्थान के जो स्थानीय नेतृत्व है या स्थानीय नेता है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही गतिविधियों से अपरिचित नहीं थे, उनसे प्रभावित होकर के ही वो विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना कर रहे थे। हाँ TRG, आपका स्वागत है। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही जो गतिविधियां उन गतिविधियों से क्या थे, प्रभावित थे। तो इसी प्रभाव के कारण राजस्थान के अंदर राजनीतिक चेतना आई थी और उनमें मुख्य रूप से राजस्थान सेवा संघ और राजस्थान मध्य भारत सभा जैसी जो देसी रियासतों के अंदर चलने वाले जो राजनीतिक संगठन थे, उन राजनीतिक संगठनों ने यहाँ पर इन रियासतों के अंदर राजनीतिक चेतना जागृत करने में क्या रही थी, सफल रही थी। यानी इन्होंने क्या की थी, राजनीतिक चेतना जगाई थी। यही नहीं, ब्रिटिश प्रांत के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी राजस्थान के स्वतंत्रता प्रेमी निरंतर संपर्क में रहते, जिसमें हम बात विजय सिंह पथिक की कर ले या केसरी सिंह बारड़ जी की कर ले, जमनालाल बजाज की कर ले। जमनालाल बजाज थी तो अपने क्या थे, जो महात्मा गांधी जी के जो भी आंदोलन थे उनके पीछे खर्चा कौन दे रहा था, ये यानी उनका गांधी जी का ये क्या थे, एक तरीके से दायां हाथ थे, उनकी सारी योजनाएं बनाने वाले थे। इधर जब अपने जयनारायण व्यास जी थे, तो ऐसे जो राजस्थान के नेता थे वो जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से निरंतर क्या रहते, संपर्क में रहते। जय नारायण व्यास इस क्षेत्र में बहुत आगे, जब हम जोधपुर प्रजामंडल इसके आगे देखेंगे, तो जो भी राष्ट्रीय स्तर पर संस्था स्थापित होती है उसकी इकाई वो क्या करते हैं, मारवाड़ यानी जोधपुर में भी क्या कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि राजस्थान में जो ये आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन, वो हम तीन भागों के अंदर इसे हम बांटते हैं। हाँ जी TRG, बिल्कुल, राजनीतिक आंदोलन क्या है, है ना? तो देखो, जो विभिन्न राजनीतिक जो अधिकार प्राप्त करने के लिए, शासन के अंदर हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए, मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चल रहे थे, यानी राजनीतिक अधिकारों से संबंधित थे, तो उन जो आंदोलन को हम क्या कहेंगे, राजनीतिक आंदोलन कहेंगे। अगर इसके बारे में आपको विस्तृत समझना है तो मेरा दूसरा चैनल है अपने कबीर क्लासेज 58, उस चैनल पर मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है, अपने राज्य सरकार करके कक्षा 10 का है, वो इस चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसमें बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में समझाया गया है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना। तो अब आगे पढ़ें, तो ये आंदोलन कितने भागों में था, तीन भागों में बांटा जा सकता था। कितने भागों में, तीन भागों में। ऐसा है क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों के आधार पर, जैसे पहले तो हम देखेंगे 1927 से पूर्व में जो अखिल भारतीय स्तर पर हो रही राजनीतिक हलचल से राजस्थान क्या था, प्रभावित था। यानी इस समय जो अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे आंदोलन का इसको कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि इस समय जो कांग्रेस की नीति थी वो देसी रियासतों के मामलों में अहस्तक्षेप की नीति थी। जो उसने 1920 का उसका सम्मेलन था, 1920 के अंदर नागपुर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, उसमें कांग्रेस ने एक ऐसा प्रस्ताव भी पारित किया था जिसमें उसने कहा था कि हम क्या करेंगे, देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जब मोतीलाल तेजावत जी 1920 के इस असहयोग आंदोलन की घटनाओं से अपने जो ये एक ही आंदोलन को जोड़ते हैं, तब गांधी जी ये कहते हैं कि मेरा इस एक ही आंदोलन और मोतीलाल तेजावत से मेरा कोई संबंध नहीं है। यानी इस समय कांग्रेस जो देसी शासकों को अपने विरुद्ध नहीं करना चाह
क्योंकि उनका मानना था कि जब ब्रिटिश भारत आजाद होकर उनके अधीन हो जाएगा तो रियासती मामले भी हल कर दिए जाएंगे। तो इसमें कारण क्या थे? आखिर 1927 से पूर्व तीन भाग हो गए, एक तो 1927 से पहले, एक 1927 से 1938 तक का पार्ट और दूसरा 1938 से 1949 तक का। ऐसे हम तीन पार्ट के अंदर देखेंगे। तो पहला पार्ट देखेंगे जो 1927 से पहले का, इसके कारण क्या थे। एक तो प्रथम विश्व युद्ध में लौटे सैनिकों का विवरण। तो प्रथम विश्व युद्ध जो कब हुआ था आप कमेंट करके बताइए। तो उस युद्ध में जो भाग लेने के लिए गए थे वो अधिकतर सैनिक कहाँ के थे? अधिकतर सैनिक राजस्थान गए थे, जिन्होंने जो यूरोपीय देशों के अंदर जाकर के युद्ध में भाग लिया और ये वहाँ के सैनिकों के संपर्क में आए। इसके अलावा उनको प्राप्त जो राजनीतिक अधिकार थे, जिसमें स्वतंत्रता थी, समानता थी जैसी बातें रूस के जो सैनिक थे उनमें भरी हुई थी, और इंग्लैंड के अंदर भी ऐसे लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता थी, अधिकार थे, समानता की बात थी। हाँ टी आर जी बिल्कुल सही है, 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। तो इन बातों को अपने साथ में वो चेतना लेकर यहाँ आए, और यहाँ जब वो क्या थे, अब देखो सैनिक कौन होते, सैनिक तो सामान्य जनता से जुड़े होते, तो उन्होंने जनता में यूरोप के अंदर लोगों को किस तरीके की राजनीतिक संस्थाएं, कैसे अधिकार प्राप्त हैं, उन सब के बारे में यहाँ के लोगों को क्या किया था, बताया था, उनमें चेतना जागृत की कि वो भी अपने अधिकारों के प्रति क्या हो, जागृत हो, ताकि उन्हें भी ऐसे अधिकार प्राप्त हो सके। इसके अलावा रोलेट एक्ट 1919 के अंदर लाया गया था, है ना, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से लोगों का ये मुंह बंद करने के लिए लाया था, जिसके खिलाफ न तो अपील की जा सकती थी, न कोई दलील की जा सकती थी, कुछ भी इसके खिलाफ सुनवाई नहीं की जा सकती थी। तो इससे भारतीयों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो भारतीयों ने ये कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में हमने साथ दिया, तो जैसे भारत के लोगों में तो राजस्थान भी अपना शामिल था, तो राजस्थान में भी अधिकतर, मैंने पहले ही बताया, अधिकतर सैनिक राजस्थान के थे। उन्होंने कहा भी हम अपना खून बाया, खून रक्त अपने कहते। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो राजस्थान के जो रियासत है, हाँ जी टी आर जी, ये रोलेट एक्ट एक ब्रिटिश अधिकारी थे सर सिडनी रोलेट, वो लेकर आए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्रांतिकारी जो गतिविधियां उनका दमन करने के लिए एक लेकर आए थे, जिसमें किसी को भी क्या था, संदेह मात्र के आधार पर। हाँ जी ये पूरा ही है रोलेट एक्ट, इसलिए एक्ट का मतलब आपको कानून होता है, और रोलेट जो एक व्यक्ति है उस व्यक्ति के नाम पर ही इसका रखा गया नाम रोलेट, सिडनी रोलेट इनका नाम था। इसके आधार पर यानी उन्होंने जो कानून बनाया उसको हम रोलेट एक्ट के नाम से जान, जिसमें क्या था ये ध्यान से सुन लीजिए आप, इसके अंदर क्या था, इसमें किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह मात्र के आधार पर या कोई प्रतिबंधित जो साहित्य है उस साहित्य को रखने मात्र के आधार पर उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता, जेल में डाला जा सकता था या उसको नजरबंद किया जा सकता था, जिसके खिलाफ वो न तो अपील कर सकता था, न वकील रख सकता था, न कोई उसकी दलील स्वीकार की जाती थी। यानी एक तरीके से ये क्या था, काला कानून था। इसका सिंपल अर्थ समझना चाहो तो रोलेट एक्ट क्या था, एक काला कानून था। अब टी आर जी क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो प्ले लिस्ट में चले जाइए, स्पेशल मैंने रोलेट एक्ट से संबंधित वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है। अगला देखेंगे 1920 के असहयोग आंदोलन जैसी घटनाओं ने भी निश्चित रूप से चेतना जागृत की। इस समय गांधी जी जो 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन चला रहे थे, तो उस असहयोग आंदोलन, एक तो मैंने मोतीलाल तेजावत वाली बात ही, इसके अलावा जो मारवाड़ के अंदर भी विभिन्न संस्थाएं थी जिसका नेतृत्व जयनारायण व्यास कर रहे थे, जैसे उन्होंने 1920 में ही इससे प्रभावित होकर के मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। ऐसे बहुत सारे संगठन थे जिन्होंने क्या कर रहे थे, ये गतिविधियों को, जो असहयोग आंदोलन जैसी गतिविधियां, इसका विस्तार अपने राज्य में कर रहे थे। हालांकि उनका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं था असहयोग आंदोलन से, जो रियासतों के आंतरिक भागों में चल रही, चाहे वो राजस्थान की रियासतों में कुछ आंदोलन हो, चाहे आदिवासी लोगों ने इसके लिए क्या किया हो, संघर्ष किया हो भारत के अंदर, उनका इनसे कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी वो इनसे बड़े प्रभावित थे। इसी कारण इन घटनाओं का क्या था, जागृति आई लोगों के अंदर और उन्होंने भी क्या किया, आंदोलन प्रारंभ किया था। यद्यपि सभी रियासतों की स्थितियां और समस्याएं समान थी, देखो यहाँ ध्यान देना, सभी जगह हमने देखा, जो किसान आंदोलन के अंदर भी देखा, चाहे बिजुलिया की बात कहें, बेंगू की कहें, या फिर सीकर की बात हमने की, सब जगह एक जैसी थी, लाग बाग बेकार से लोग क्या थे, परेशान थे, अत्यधिक भू राजस्व उनसे लिया जाता था, सामंती शोषण किया जाता था, ये सब जगह एक जैसी कॉमन समस्याएं थी, लेकिन फिर भी एकीकृत संगठन का इसमें अभाव था, यानी कोई भी नहीं था, सबके अंदर संगठन नहीं था कि पूरे राजपूताना के अंदर एक संगठन बना करके वो क्या करे, कोई राजनीतिक आंदोलन चलाए। तो इसी कारण कोई व्यवस्थित
श्री गणेश यानी उसकी शुरुआत नहीं हो पाई थी। अगर कोई ऐसा संगठन बनता तो ऐसी जरूर होता। हालांकि इस क्षेत्र में हमने देखा कि 1918 के अंदर जो राजस्थान सेवा संघ सॉरी 1919 के अंदर जो राजस्थान सेवा संघ बना, 1918 के अंदर जो राजपूताना मध्य भारत सभा जैसे संगठन बने जिन्होंने इस क्षेत्र में क्या किया, थोड़ा बहुत अपना प्रयास किया था। अगला देखते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, वही जो जिसके बारे में मैंने आपसे वो पॉइंट ये था कि कांग्रेस पार्टी ने देसी राज्यों के मामलों में अहस्तक्षेप किया, यानी कोई किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसकी नीति घोषित करके यहाँ की राष्ट्रवादी गतिविधियों को खादी का प्रयोग का प्रचार करना सामाजिक सुधारों तक ही सीमित कर दिया। कांग्रेस इस समय दो तरीके के कार्यक्रम चला रही थी राष्ट्रीय स्तर पर, एक तो थे रचनात्मक कार्य। तो जो रचनात्मक कार्य थे, हाँ जी दीपा राम जी स्वागत है आपका, तो इसमें से जो रचनात्मक जो कार्य थे उन रचनात्मक कार्यों को ही, एक तो असहयोगात्मक थे एक रचनात्मक, तो रचनात्मक कार्य थे उनका राजस्थान में केवल प्रचार चाहते थे। तो इसमें गांधी जी का और कांग्रेस का मानना था कि राजस्थान की जो जनता है उसको अभी शिक्षित किया जाए, उसके अंदर थोड़ी सी जो राजनीतिक चेतना है उसकी क्या की जाए, अभी नींव तैयार की जाए। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर खादी का प्रयोग करना और सामाजिक रूप से जो सुधार करना, जो सामाजिक बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करने तक ही कांग्रेस का सपोर्ट जो है, समर्थन कह सकते हैं, वो सीमित था। अब देखते हैं इसका दूसरा चरण क्या होता है। ये पहला चरण हमारा कंप्लीट होता है, दूसरा चरण हमारा प्रारंभ होता है 1927 से। किसकी स्थापना से होता है 1927 से, 1927 में एक संगठन की स्थापना होती है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की। हाँ दीपा राम जी, ये मैं केवल आज संडे को ही लेकर आया हूँ, बाकी मैं लाइव कक्षा नहीं चलाता हूँ। हमेशा आपको जो शाम को जो 8 बजे तक आपको एक वीडियो मिल जाता जो ऑफलाइन होता है, जो मैं रिकॉर्डिंग करके डाल देता हूँ, क्योंकि आज भी ये ट्राई कर रहा हूँ। पहले भी एक बार मैंने इससे संबंधित ट्राई की थी, लेकिन वीडियो फिर अपलोड होने में लाइव में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि इतने अभी मेरे पास संसाधन नहीं है, तो इस कारण थोड़ा समस्या आ रही है। अब देखो आज फिर से ट्राई कर रहा हूँ कि कोई थोड़ा अच्छी तरीके से अगर हो जाए तो इसको हम कंटिन्यूज रखेंगे, वो भी मेरे को समय सिर्फ संडे को ही मिलता है, तो होगा तो हम ऐसा संडे को ही रख पाएंगे, इसके अलावा तो नहीं रख पाएंगे। देखते हैं वो आज क्या होता है, इसका प्रयास हम जारी रखेंगे। बाकी आपको जो ऑफलाइन कक्षा है वो हमेशा आपको रोज आपको एक दो वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप उनको जरूर ज्वाइन करें और अपना अच्छी तरीके से जारी रखें, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हर एक संडे को छोड़ करके एक संडे को मैं आपके लिए टेस्ट पेपर लेता हूँ, तो उस टेस्ट पेपर को भी जरूर ज्वाइन किया करें। जैसे आज आपके अपलोड हुआ था, हाँ जी यही तो समस्या है टीआर जी, इसीलिए तो आवाज जो नहीं आ रही है ना क्लियर, तो यही जो ऑनलाइन कक्षा में यही समस्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ नेट की थोड़ी अच्छी सुविधा नहीं है, क्योंकि जितनी नेट की क्वालिटी नहीं रहेगी तो फिर ऑनलाइन में मज़ा नहीं आएगा होता, इसलिए थोड़ा मैं इसको नहीं ले पाता हूँ जो ऑनलाइन कक्षा, इसलिए ऑफलाइन ही करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन संडे को हम थोड़ा कभी कभार मैं प्रयास करूँगा, तो आप जो कम्युनिटी टैब उसको देखते रहना, तो वहाँ जो भी सूचना होगी मैं आपको कम्युनिटी जो टैब है उस टैब के अंदर आपको मैं क्या करूँगा, बता दिया करूँगा कि भाई आपके लिए कब लाइव सेक्शन होगा। और अगला जो टेस्ट पेपर है उसकी भी आप तैयारी रखना, जो आपके अध्याय संख्या 2 की होगी है ना, तो उसका जो महत्वपूर्ण टेस्ट पेपर आपसे लिया जाएगा ब्लू प्रिंट के हिसाब से, और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसके अंदर आप जरूर भाग लें, ठीक है। हाँ जी अब आवाज आ रही है टीआर जी, तो चलो अब देखेंगे 1927 के अंदर। देखो अखिल भारतीय स्तर पर जो यानी बंबई के अंदर एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसका नाम है अखिल भारतीय जो देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना के साथ में इसमें राजस्थान के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे वो भी शामिल थे। हाँ आरके जी आपका भी स्वागत है, आपने पहली बार कमेंट किया है, तो जब ज्वाइन करो तब आप कमेंट जरूर कर दिया करो। और आप सभी विद्यार्थियों से एक बार और रिक्वेस्ट ये है, वैसे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा लेकिन नहीं किया तो आप कर देना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो इसमें हम देखेंगे जो अखिल भारतीय जो देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना के साथ ही सक्रिय राजनीति का जो चरण है वो क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। क्योंकि जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद है इसकी जो विभिन्न संस्थाएं हैं वो क्या की जाने लगी, राजपूताना की
के अंदर अलग अलग जो रियासतों के अंदर स्थापित की जाने लगी। ऐसी जैसे मारवाड़ लोक परिषद स्थापना की जाए, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे प्रजामंडल के अंदर। तो इनके माध्यम से क्या हुआ, राजनीतिक गतिविधियां एक संगठित तरीके से क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। इसके अलावा जो कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर, उस अधिवेशन में भी कांग्रेस ने क्या कर दिया था, अपनी तरफ से वैसे फुल तो सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन ऐसा कह दिया था कि रियासतों के अंदर अगर कोई संस्थाएं ऐसी लोगों को संगठित करने की या राजनीतिक चेतना जगाने की संस्थाएं स्थापित होती है तो कांग्रेस उसका क्या करती है, समर्थन करती है। तो इस तरीके से ये कांग्रेस का समर्थन मिल जाने के बाद इसकी शाखाएं क्या की जाने लगी, रियासतों के अंदर स्थापित की जाने लगी। इसके अलावा जो ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका पहला सम्मेलन तो बॉम्बे में हुआ था 1927 के अंदर। इसका जो अगला जो स्थानीय यानी प्रथम प्रांतीय अधिवेशन है ये 1931 के अंदर राम नारायण चौधरी जो यहाँ राजपूताना जो मध्य भारत सभा, इसके और इसके बीच में क्या थे, कोऑर्डिनेटर थे, मंत्री के रूप में क्या करते थे, कार्य किया करते। तो इनके प्रयासों से इन्होंने अजमेर के अंदर जो ये अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद इसका प्रथम प्रांतीय अधिवेशन का क्या किया था, आयोजन किया था। तो इस अधिवेशन के अंदर जो राजस्थान के जो नेतृत्व है, राजनीतिक नेतृत्व, वो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व से क्या हुआ था, परिचित हुआ था। इसके अलावा इस चरण के अंदर राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी आते रहे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इसके अलावा अपने जो सुभाष चंद्र बोस है वो भी आए थे, है ना, जोधपुर तक आकर गए थे। तो इन गांधी जी भी अजमेर आए थे। तो इन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के आने के बाद में इनमें आपसी संपर्क हुआ और उनसे मार्गदर्शन भी इनको क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो इस काल के अंदर विभिन्न प्रकार की देखो क्या होती है, राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना होती है, ठीक है। पहले चरण के अंदर कोई ऐसी संस्था नहीं, सिर्फ राजनीतिक जागृति पैदा करने का प्रयास किया जाता, लोगों को एक नींव तैयार की जाती। इस क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा हम समझ लेते भवन खड़ा किया जाता दूसरे चरण के अंदर, और तीसरा चरण जो 1938 से प्रारंभ होता है और ये 1949 तक चलेगा, इस चरण के अंदर कोई महत्वपूर्ण बदलाव आए वो देखेंगे। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके नेतृत्वकर्ता ही कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। जब वो राजस्थान आए थे तो उन्होंने नेताओं से विचार विमर्श किया था, तो उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया था और उन्होंने जो रियासतों के मामलों को समझा भी था कि किस तरीके की समस्या रियासती लोगों को आ रही है। तो इससे प्रेरित होकर के उनके प्रयासों से क्या किया था, एक प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया जिसके अंदर क्या था कि देसी रियासतों के लोगों द्वारा संचालित स्वतंत्र आंदोलन को अब कांग्रेस क्या करेगी, अपना नैतिक समर्थन देगी, है ना, कांग्रेस उसकी क्या करेगी, अब सपोर्ट करेगी, डायरेक्ट रूप से तो नहीं लेकिन नैतिक रूप से उसको क्या करेगी, अपना समर्थन मानेगी और उनको अपने ही कांग्रेस जो विभिन्न संगठन होंगे उनको कांग्रेस अपने ही अनुसंगी संगठनों की तरह क्या देगी, समर्थन देगी। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव से देसी रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को क्या दिया था, नैतिक समर्थन मिला था। तो इन राज्यों में चल रहे आंदोलन इसके बाद क्या हुए, प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट कांग्रेस से क्या हो गए, जुड़ गए। इससे पहले कांग्रेस से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए थे। तो इससे राजनीतिक चेतना का बड़ा विस्तार हुआ, है ना, आप जब कांग्रेस का सपोर्ट प्राप्त हो गया, समर्थन मिल गया, तो इससे जनमानस जागृत हुआ और यही कारण है कि 1938 में अधिकतर जो हम आगे देखेंगे, अधिकतर जो प्रजामंडल उनकी स्थापना 1938 या 1938 के बाद के समय में होती है, क्योंकि कांग्रेस का समर्थन प्राप्त होने से जो स्थानीय जो राजपूताना के जो नेता थे उनको क्या हुआ, बड़ा ही नैतिक बल हुआ। अब उनकी ये हिम्मत हुई कि अब हम क्या करेंगे, विभिन्न संस्थाओं की क्या करेंगे, स्थापना करके जो राजपूताना के अंदर भी क्या करें, जनता को जागृत करके अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया जाए। तो इस तरीके से प्रजामंडलों की स्थापना हुई जिससे देसी शासकों के अधीन उत्तरदायी शासन की क्या की मांग की। इन्होंने कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं, इन्होंने कहा उत्तरदायी का मतलब होता जिम्मेदार, है ना, जिम्मेदारी पूर्ण शासन यानी रेस्पॉन्सिबल। जैसे वर्तमान में हमारा प्रजामंडल है तो हम क्या करते हैं, हमारी सरकार जैसे हमारे प्रति जिम्मेदार, अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, अगले चुनावों के अंदर उसको हटा देंगे। तो इस तरीके से उसकी जिम्मेदारी होती है, जैसे सरकार की अभी वैसे लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी होती है, अगर लोकसभा के अनुसार वो काम नहीं करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और फाइनल रूप से अगर सब मिलकर के भी लोकसभा और जनता की इच्छा के अनुसार काम नहीं करें तो जनता उससे अगले चुनावों में क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो वैसे ही इन्होंने मांग की थी कि जो देसी शासकों के अधीन उत्तरदायी शासन यानी शासन तो राजाओं का हो लेकिन अंदर ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाए जिसके अंदर जनता के प्रतिनिधियों को क्या किया जाए, शामिल किया जाए और उनको शासन संचालित करने के क्या दिए जाए,
अधिकार दिए जाए। तो आज के पार्ट में इतना ही। आज का जो लाइव सेक्शन जोड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लाइव सेक्शन को ज्वाइन किया है। और इसको हम ज़्यादा नहीं बढ़ा पाऊँगा क्योंकि थोड़ा वो नेट की समस्या के कारण, और ये एक प्रैक्टिकल है तो किस तरीके से यह वीडियो अपलोड होता है उसको भी मुझे देखना है कि कहाँ तक लंबा हम इसको अपलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद एक बार सभी कमेंट करके राम राम सबको बोल दें, और उसके बाद फिर मैं इसको डिसकनेक्ट करता हूँ। हाँ जी दीपा राम जी, टी आर जी सर, अगली बार जरूर आए। जी जी, आपकी इच्छा तो है तो फिर अगली बार संडे को विचार करूँगा ना। और मैं इसके लिए आपको जो कम्युनिटी टैब में देखते रहे, मैं आपको नोटिफिकेशन ऐसा होगा तो पहले ही बता दूंगा, कहीं जाने का मुझे प्रोग्राम नहीं हुआ तो, है ना। हाँ जी हाँ ठीक है, तो थैंक्स आप सबको, है ना। अब कोई एक अर्जेंट कॉल भी देखो आ रहा, तो इसीलिए ठीक है ना, आप सबसे मैं विदा लेना चाहूँगा। और एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी 58 परिवार के अंदर स्वागत है। और आज हम देखेंगे जो विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन हुए, उन आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही थी। इस भूमिका के अंदर हम आज देखेंगे जोधपुर राज्य के बारे में। तो सबसे पहले हमारा शुरुआत होगा, पहला प्रजामंडल होगा जोधपुर राज्य के अंदर। थोड़ा इसमें हम पढ़ने से पहले थोड़ा इसमें बैकग्राउंड देख लेते हैं, ठीक है ना। तो जोधपुर राज्य की हम इस समय जब अध्ययन करेंगे, तो इस समय एक तो यहाँ के जो महाराजा थे वो थे उमेद सिंह जी, जो क्या थे इस समय अनुभवहीन थे, यानी युवा थे। तो इनको युवा जब शिक्षा दीक्षा जो अंग्रेजों द्वारा दी जाती थी उसमें दे करके इनको राजसिंहासन पर हालांकि बिठाया गया था, लेकिन जो वास्तविक जो नियंत्रण था शासन का, एक यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे कश्मीरी ब्राह्मण जो कट्टर अनुदारवादी थे जिनका नाम था सर सुखदेव प्रसाद जी, उनके हाथ में था। तो इस कारण जो ये समय देखते हैं हम 20वीं शताब्दी का, तो इस समय क्या था, हम जो पढ़ेंगे वो हमारा तीसरा दशक की बात है। तो वो क्या था, मारवाड़ में निरंकुश और भ्रष्ट शासन का क्या था, एक समय था। और इस समय के ये वैसे महाराजा ठीक थे, लेकिन वो क्या थे, अनुभवहीन थे, बाद में चल करके काफ़ी अच्छा काम भी करवाते हैं, है ना। तो जो क्या करवाते अपना काल रात कार्य के अंदर जो उम्मीद महल का निर्माण करवाते हैं, और भी बहुत सारे काम ठीक ठाक करवाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें जो शासन हाथ में होता सुखदेव प्रसाद, उनके कारण क्या होता है, यहाँ की जो जनता के ऊपर बड़े कष्ट में होती है यहाँ के राजनेता। वो क्या करते, कुछ कानून ले आते हैं। एक तो जो 1909 के अंदर कानून लेकर आया था, जैसे भारत के अंदर कोई, जैसे जोधपुर का आंदोलन इसी में खास है कि भारतीय स्तर पर कोई कानून बनता था तो वो जोधपुर में बन जाता था, भारतीय स्तर पर कोई संगठन बनता था तो वो भी जोधपुर के अंदर बन जाता था। तो 1909 के अंदर जैसा कि भारत के अंदर राजद्रोह अधिनियम बना, वैसा ही राजद्रोह अधिनियम यहाँ बना दिया गया, मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम 1909। वैसे ही जो भारत के अंदर जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, वैसे 1922 के अंदर मारवाड़ में भी मारवाड़ प्रेस अधिनियम 1922 बना दिया। तो जिसके माध्यम से क्या था, कोई भी सभा करनी है, संघ स्थापित करना या सार्वजनिक भाषण देना है आदि पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। कोई शासन के विरुद्ध बोलेगा तो उस पर क्या, राजद्रोह लगवा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई शासन के विरुद्ध कोई लिख नहीं सकता था, अगर कोई लिखेगा तो उसके पास जो प्रेस अधिनियम उसके द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि कोई टाइपराइटर भी बिना लाइसेंस के यानी पंजीकरण बिना नहीं रख सकता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ क्या था, जो सार्वजनिक गतिविधियां हैं क्या है, बड़ी ही दुष्कर कार्य था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सख्त कहीं पर जो संघर्ष हुआ था तो वो मारवाड़ में हुआ था। हम जो मारवाड़ के अंदर जो किसान आंदोलन हुए उस आंदोलन के अंदर भी आपको बता चुके हैं, तो किस तरीके से मारवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो सख्त गतिविधियाँ यहाँ पर हुई थी। अब देखते हैं क्या आगे, जोधपुर के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियाँ वो कब हुई थी, 1918 में हुई थी। कब हुई थी, 1900, यानी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं जोधपुर में उनकी शुरुआत 1918 में ही प्रारंभ हो गई थी। तब क्या किया था, चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारी सभा, यानी इसका वो वास्तविक नाम था मरुवार, यानी इसका क्या नाम था, मरुवार जो हितकारी सभा है, या इसको कह सकते थे मरुधर, है ना। तो मरुधर जो हितकारी सभा है इस नाम से इस संस्था का क्या किया था, गठन किसने किया था, चांदमल सुराणा, ये जो चांदमल सुराणा ये इसके क्या थे,
अध्यक्ष बने थे। तो इस संस्था ने क्या की थी, स्थापना के साथ में यहाँ जन जागृति का इन्होंने काम प्रारंभ किया था, लेकिन अब होता क्या, ये अधिक समय तक सक्रिय नहीं रह पाती हैं। तो फिर जो मुख्य रूप से अब एंट्री क्या होती है, मुख्य रूप से एंट्री हमने देखा था कि 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है वर्धा के अंदर। तो जो वर्धा के अंदर हुई, मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी कानून बनेगा भारतीय स्तर पर तो वो जोधपुर में बन जाएगा, इसके अलावा भारतीय स्तर पर कोई संगठन बनेगा या राजस्थान स्तर पर तो वो भी संगठन जोधपुर में बनेगा। तो वैसे ही राजस्थान के लिए एक जो आंदोलन को संगठित करने के लिए 1919 में वर्धा में बनता है राजस्थान सेवा संघ। तो उसकी अनुसंगी इकाई के रूप में जयनारायण व्यास जी है, वो क्या करते हैं 1920 के अंदर मारवाड़ के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कर देते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, यह ध्यान रखना आपको, मारवाड़ सेवा संघ, जिसके संस्थापक कौन होते हैं, जयनारायण व्यास, और इसके अध्यक्ष बनाते हैं दुर्गा शंकर को, और इसके एक मंत्री होते हैं प्रयागराज भंडारी। अब ये क्या करता है, यहाँ पर लोगों को आंदोलन के लिए एक आंदोलन चलाता है, तोल आंदोलन, है ना। तो जैसा कि आप जानते हो कि उसमें प्राचीन समय के अंदर जो क्या होता था, एक शहर है, एक शहर के अंदर क्या होते थे, जोधपुर के अंदर 100 तोले होते थे, जबकि ब्रिटिश जो भारत था उसमें एक शहर में 80 तोले होते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या था कि आखिर भारतीय स्तर पर यहाँ के महाराजा अनुसरण कर रहे थे कि अंग्रेजों के भारत में हो रहा था, हम भी क्या कर देते, 80 तोले कर देते, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी ने जो आधी रात को घोषणा कर दी थी कि नोटबंदी कल से क्या रहेंगे, वो 5,000 रुपये के नोट अस्तित्व में नहीं रहेंगे, ठीक वैसा ही किया था। तब इस जयनारायण व्यास ने मेवाड़ सेवा संघ के नेतृत्व में क्या किया था, बड़ा जोरदार इसका विरोध किया था, है ना। तो इस कारण क्या हुआ था, बाद में जाकर के जो मारवाड़ सरकार है उसको वापस लेना पड़ा था, और वापस एक शहर में उनको क्या करने पड़े थे, 100 तोले करने पड़े थे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या था, ये प्रारंभ के अंदर ही इन संगठनों को क्या मिल रही थी, जो सफलता प्राप्त हो रही थी। अब बात देखते हैं 1923 के अंदर, 1923 ईस्वी के अंदर मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, ठीक है। अब इसको क्यों पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, कि हमने देखा जो ये पहले इसका नाम था मरुदंड हितकारिणी सभा, लेकिन बाद में जैसे ये मेवाड़ सेवा संघ का क्या करते, गठन करते हैं, लेकिन मेवाड़ सेवा संघ पर क्या लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है, यानी इसको अवैध संस्था घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर क्या होता है ना, तो ऐसी स्थिति के अंदर इन्होंने देखा, जयनारायण व्यास आदि जी ने देखा कि भाई क्या किया जाए, कुछ कार्य किया जाए, कुछ संगठन बनाया जाए। तो इन्होंने देखा कि एक प्रारंभ में जो मरुदर हितकारिणी संस्था नामक एक संगठन बना हुआ है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो इन्होंने उसी जो संगठन को जो नए नाम से, यानी मारवाड़ हितकारिणी सभा, मरुदर हितकारिणी सभा को ही मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है उस नाम से क्या किया था, पुनर्जीवित किया था। कब किया था, 1923 के अंदर। इसने भी बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे, है ना। इसने क्या काम किए थे महत्वपूर्ण, एक तो राज्य से बाहर कुछ जैसे निर्यात, एक तो खाद्यान्न का निर्यात होता था उसका विरोध किया था, इसके अलावा जो मादा पशु थे उनका निर्यात था जो जोधपुर राज्य से बाहर होता था, तो इस दोनों का विरोध किया था। तो दोनों ही आंदोलन में इसको क्या मिल गई थी, सफलता मिल गई थी, यानी मादा पशुओं के निर्यात पर बाद में जो महाराजा द्वारा रोक लगा दी गई थी, और इसके अलावा जो खाद्यान्न जो बाहर निर्यात किए जा रहे थे उस पर भी रोक लगा दी। इसके अलावा इसकी एक मांग ये थी कि जो नौकरियों का क्या किया जाए, मारवाड़ीकरण किया जाए। तो इस तरीके से ये मुख्य मांग थी, और इन मांगों के कारण जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है वो बहुत ही क्या हो गई थी, लोकप्रिय हो गई थी, और इसकी लोकप्रियता के कारण ही क्या हुआ था, वास्तविक जो जनजागृति है वो क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। लेकिन अब देखो क्या होता है, इसके सामने ही है ना क्या करते, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ के जो मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे सर सुखदेव प्रसाद जी, वो बड़े प्रतिक्रियावादी थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, इस संगठन को कमजोर करने के लिए इसके सामने एक संगठन खड़ा करवाया जिसका नाम था राजभक्त देश हितकारिणी सभा का गठन करवाया था। हालांकि वो ज़्यादा सफल तो नहीं हो पाई थी, लेकिन एक तरीके से इनका क्या किया था, आंदोलन को दबाने का काम किया था। अब देखो देखते कि अक्टूबर 1929 में व्यास जी ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना, यहाँ अधिकतर संगठन आपके व्यास जी ही बनाएंगे,
अब देखो होता क्या है कि कल वाला जो टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था कि 1927 के अंदर जो बम्बई के अंदर दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता के अंदर एक संस्था का गठन होता है जिसका नाम है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो उसमें भाग लेते हैं, जयनारायण व्यास जी भी उसमें क्या लेते, भाग लेते। तो वहाँ भाग लेने के बाद में जब ये वापस आते हैं, कहाँ पर आते हैं, वापस ही अपने आ जाते हैं जोधपुर। तो जोधपुर आ करके ये क्या करते हैं, जो इस नई संस्था का गठन करते हैं जिसका नाम है मारवाड़ राज्य लोक परिषद नामक, इस संस्था का क्या कर देते हैं, गठन कर देते हैं। कब करते हैं, ये डेट ध्यान रखना, अक्टूबर 1929 के अंदर क्या करते हैं, घोषणा कर देते हैं इसके गठन की। अब देखो इसके जो संस्था के माध्यम से भी क्या किया जाता है, ये जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, जयनारायण व्यास जी और उनके जो साथी हैं वो करने का प्रयास करते हैं। और इसी समय क्या करता है, इस मारवाड़ राज्य जो लोक परिषद इसका सम्मेलन भी ये जोधपुर में बुलाते हैं, हालांकि महाराजा इसकी क्या करते हैं, अनुमति नहीं देते हैं। और जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ को गिरफ्तार कर लेते हैं और नागौर के अंदर इनके ऊपर क्या चलाते हैं, मुकदमा चलाते हैं। हालांकि बाद में इनको क्या कर दिया जाता, राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग होती है और दबाव के कारण इनको फिर क्या कर दिया जाता, जेल से छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जो इसकी जो सभाएं थी, मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, मारवाड़ राज्य लोक परिषद थी, और इसमें मुख्य रूप से क्या करते, ये धरने हैं, जुलूस वगैरह प्रदर्शन करके अपना कार्य जारी रखे होते। इसमें जो मारवाड़ हितकारिणी सभा, इसने दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी, एक तो मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल नाम से। तो ये इस कारण यहाँ भी बड़ा क्या हो रहा था, इनके बीच में संघर्ष चल रहा था। तो हमने देखी उपरोक्त गतिविधियों से स्पष्ट था कि जोधपुर में राजनीतिक चेतना का क्या था, व्यापक प्रचार था, यानी बहुत ज़्यादा प्रचार था, किसमें, अन्य क्षेत्रों के मुकाबले, राजस्थान के या कह सकते हैं राजपूताना कहते हैं, अन्य जो भी रियासत थी उसमें इतना क्या था, प्रचार नहीं था जितना यहाँ पर था। क्योंकि एक तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से सक्रिय नेता थे है ना, जिसमें जयनारायण व्यास जी है, रणछोड़दास गट्टानी है ना, इसके अलावा भवनलाल सराफ जैसे ये नेता थे, तो ये क्या करते थे, यहाँ सक्रिय रूप से ये कार्य किया करते थे, विभिन्न संगठनों की स्थापना करते। इसके अलावा बाहर से भी कुछ महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं वो व्यक्तित्व भी क्या करते हैं, इनके संपर्क में रहते हैं। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर आते हैं, पंडित नेहरू जी भी आते हैं। तो ये बहुत सारे नेताओं के, जो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के संपर्क में कारण यहाँ गतिविधियाँ अधिक होती है। अब जब इतनी सारी गतिविधियाँ चल रही थी तो इसी दरमियान, क्योंकि हमने बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन बने, ये तो कम ही संगठन गए, इसके अलावा जो मारवाड़ यूथ लीग का भी गठन हुआ था है ना, बाल भारत सभा का भी गठन हुआ था, ऐसी बहुत सारी जो संस्थाएँ हैं उन संस्थाओं का क्या किया गया था, गठन किया गया था। फाइनल रूप से हम देखते हैं कि 1934 में, ध्यान रखना 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, 1934 में, और किसने की थी, तो जयनारायण व्यास और उनके साथियों ने मिलकर के क्या की थी, इसकी स्थापना की थी, जिसमें जयनारायण व्यास और आनंद मल सुराणा थे, ये मुख्य रूप से थे। और इस संस्था का जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया था, भंवरलाल जी सराफ को, ये ध्यान रखना आपको। तो ये इसको क्या बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष बनाया, जिसका उद्देश्य क्या था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, ये ध्यान रखना, जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की क्या करनी थी, स्थापना करनी थी, और नागरिक अधिकारों की क्या करनी थी, रक्षा करनी थी, यानी लोगों के जो लौकिक अधिकार हैं उन अधिकारों की जोधपुर राज्य के अंदर क्या करनी थी, रक्षा करनी थी। 1936 में इस संस्था को क्या कर लिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, जैसे इससे पहले की सारी संस्थाओं को जो राज्य की तरफ से असंवैधानिक घोषित किया जा रहा है, वैसे इसको भी घोषित कर दिया। क्योंकि 1936 में ही इसने क्या किया था, एक तो नागरिक अधिकारों की मांग की थी और दूसरे इसने विधानसभा की स्थापना की भी मांग की थी। तो इन मांगों के कारण क्या कर दिया, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अब देखते हैं कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जोधपुर इकाई, जिसका नाम क्या था, हमने अभी देखा था ऊपर, जो अक्टूबर 1929 में गठन की गई थी मारवाड़ राज्य लोक परिषद के रूप में, क्या था, ये सक्रिय रूप से जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियों को क्या कर रही थी, संचालित कर रही थी।
ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी संस्था पर रोक लगा रहे, लेकिन ये भी क्या कर रही थी, अभी अपनी गतिविधियों को संचालित तो जरूर कर रही थी, लेकिन अब इन पर भी क्या था, ज़्यादा समय तक क्या करेंगे, ये संस्था अस्तित्व में नहीं रह पाएगी। विशेषकर जोधपुर प्रजामंडल को, क्योंकि जोधपुर प्रजामंडल का गठन होते ही क्या 34 में गठन हुआ था और 36 के आसपास इसको क्या कर दिया गया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो किए जाने के बाद में जो लोक परिषद, इसने क्या किया था, संवैधानिक अधिकारों, जिसके बारे में क्या हमने ऊपर देखा कि प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य यही था, और उत्तरदायी शासन के लिए इसने क्या किया था, संघर्ष जारी रखा। वो संघर्ष किसके नेतृत्व में था, मारवाड़ जो लोक परिषद है उसके नेतृत्व के अंदर क्या किया गया था, संघर्ष जारी रखा गया था। अब देखते हैं, बहुत बड़ी बात है ना, वो बड़ी बात हम आगे देखेंगे, यहाँ भी है ना। तो वो बड़ी बात क्या थी, चुनावों को सांप्रदायिक आधार पर करने के स्थान पर क्षेत्रीय आधार पर कराने की मांग इसने की थी। यहाँ ध्यान रखना, किसके आधार पर इसने मांग की थी, पहले ये चुनाव हो रहे थे सांप्रदायिक यानी जाति आधार पर, अलग अलग जातियों के आधार पर ये चुनाव हो रहे थे। तो इस मारवाड़ लोक परिषद ने कहा था जातियों के स्थान पर नहीं, अब क्या करो, क्षेत्रीय आधार पर इस चुनावों को क्या किया जाए, करवाया जाए। क्यों, अब देखो ये काम भी इस मारवाड़ लोक परिषद का था, जब क्या यहाँ इस चुनाव किसके लिए हो रहे थे, नगर पालिका परिषद के लिए चुनाव हो रहे थे। तो इन जो चुनावों को किसकी, जोधपुर की जो नगर पालिका परिषद के चुनाव हो रहे थे, तो उनके लिए इन्होंने क्या की थी, मांग की थी, है ना। बाद में जो इस चुनाव होते हैं, चुनावों के अंदर जयनारायण व्यास जी विजयी होते हैं और जीतने के बाद वो जोधपुर के क्या बनते हैं, ये नगर पालिका के अध्यक्ष भी बनते हैं। हालांकि बाद में वो क्या दे देते हैं, इस्तीफा भी दे देते हैं, क्योंकि आप जानते ही हो कि यहाँ सरकार के साथ में और काम की जो समस्या इनकी सेट नहीं बैठी थी, इस कारण जयनारायण व्यास जी को क्या करना पड़ता है, बाद में इसको छोड़ना पड़ता है। अब देखते हैं बात अगली, मार्च 1940 में इस परिषद को, जो मारवाड़ राज्य लोक परिषद ये काम कर रही थी, तो इसको भी क्या कर दिया, अवैध यानी गैर कानूनी, यानी क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो इसको अवैध घोषित करने के बाद सदस्यों ने क्या किया था, शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शनों पर ध्यान केंद्रित किया था, और विशेष करके इन्होंने क्या किया था, जो सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि इस संस्था को अवैध घोषित करने के साथ में जैसे जयनारायण व्यास से बमरलाल सराफ, अभयमल जैन, रणछोड़ गट्टानी जैसे जो महत्वपूर्ण जो लोग थे उनको क्या कर दिया था, गिरफ्तार कर दिया था सरकार ने, है ना। तो गिरफ्तार करने के कारण ही क्या था, इसमें संघर्ष चल रहा था और अब वो संघर्ष का एक नया पार्ट प्रारंभ होता है। अब देखते हैं इसके कुछ नेता, इसके नेताओं में मुख्य थे रणछोड़ दास, ये गट्टानी है, यहाँ पर ध्यान रखा गट्टानी, मथुरा दास माथुर, कन्हैयालाल, इंद्रमल जैन, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ। तो ये जैसे लोग थे, तो आदि ने क्या किया, अपना सारा ध्यान परिषद की विचारधारा को, अब जब क्या किया, कुछ लोगों के इनकी जो गिरफ्तारी करना प्रारंभ कर दिया, तो ये लोग जो थे इन्होंने क्या किया था, पीछे जो थे इन्होंने कहा था कि अब इस तरीके के क्या करेंगे, हम सरकार के खिलाफ अभी कोई आंदोलन खड़ा नहीं करें, इस संगठन की क्या करते हैं, नींव मजबूत करते हैं, इसकी जड़ों को फैलाते हैं लोगों के बीच में, है ना। तो यहाँ इन्होंने क्या किया था, इस लोक परिषद को क्या किया था, प्रसिद्ध करने का काम किया था। हालांकि इस दौरान गांधी जी का भी इनको सपोर्ट क्या हुआ, मिलता रहा, और गांधी जी ने भी क्या की थी, इस स्थिति की क्या की थी, आलोचना की थी, जो किसके सरकार ने इनके विरुद्ध की थी। उधर सरकार ने राजनीतिक अधिकारों की मांग को परिषद व सामंतों के बीच में संघर्ष का क्या किया था, रूप देने का प्रयास किया, कुछ ऐसी वो संस्थाएं बना दे ताकि क्या कर दिया जाए, सरकार का को दमन का मौका मिल जाए, क्योंकि ये जो परिषद है और वो सामंत और वो क्या करें, झगड़े। तो इस तरीके का प्रयास भी जोधपुर राज्य की तरफ से किया गया था, ताकि इसको क्या किया जाए, मारवाड़ जो लोक परिषद है उसको क्या किया जाए, इसको परेशान किया जाए। अब 1942 में लोक परिषद के अत्याचारों के विरुद्ध राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए क्या होता है, आंदोलन प्रारंभ होता है। अब यहाँ ध्यान देता, 1942 यानी इस समय क्या था, भारतीय स्तर पर क्या चल रहा था, भारतीय जो स्तर है उस पर क्या चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन जब राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था, तो इस समय जोधपुर के अंदर, क्योंकि जयनारायण व्यास जी थे,
तो उन्होंने जोधपुर में भी क्या किया था, कुछ आंदोलन चलाने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो इनके जब आंदोलन चलाने का प्रयास करेगा तो फिर क्या होगा, इनकी गिरफ्तारी होगी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। व्यास जी ने क्या किया, परिषद के विधान पर को स्थगित करके संवे को इसका क्या कर दिया, प्रथम डिटेक्टर घोषित कर दिया। किसको, ध्यान रखना, ये जो मारवाड़ लोक प्रसिद्ध था, जोधपुर में भारत छोड़ो आंदोलन को इन्होंने क्या किया था, संचालित किया था। कमेंट करके आप बताना कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब हुआ था, इसको थोड़ा सा आप कमेंट करके अंदर इसका जवाब मुझे जरूर दे, है ना। तो देखो इधर गांधी जी जब भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे तो जोधपुर भी इससे क्या होना था, पीछे नहीं रहने वाला था। इस कारण जोधपुर के अंदर भी व्यास जी के नेतृत्व में जो आंदोलन इसमें क्या आई थी, बड़ी ही तीव्रता आई थी, है ना। अब क्या हुआ था, अब जो मारवाड़ क्या कह सकते हैं, जोधपुर के विद्यार्थी भी राजनीति के अंदर कूद पड़े थे और यहाँ पर युवकों ने बम बनाना, संपत्तियों को नष्ट करना, ऐसे कार्य कर लिए गए थे। यानी एक तरीके से क्या हो रहा था, यहाँ यह आंदोलन हिंसक भी हो चुका था। अब जयनारायण व्यास आदि नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तब यहाँ पर जयनारायण व्यास ने क्या की थी, भूख हड़ताल। कारण क्या था, उन्होंने कहा था जो राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी वगैरह वो भी जेल में थे तो उन्हें जो सुविधाएं मिल रही, जैसे समाचार पत्र पढ़ने को दिया, पुस्तकें दी जा रही, जो भी, तो वो सुविधा हमें ही भी दी जाए। तो यहाँ पर इनके साथ में जो भूख हड़ताल करने वाले एक थे बाल मुकुंद मिश्रा, तो इसकी यहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु, 19 जून 1942 में, जिसके कारण यहाँ का जो वातावरण है एक बार से, वो वातावरण बड़ा ही जोधपुर का क्या हो जाता है, आक्रोशित हो जाता है। अब आक्रोशित होने के बाद अब सरकार अब यहाँ क्या करती है, बड़ा ही दमन चक्र चलाती है, इनके जो परिषद से जुड़े हुए लोगों के घरों को भी जला देती। फिर भी ये कार्यकर्ता क्या करते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, है ना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये परिषद के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, संघर्ष अपना जारी रखे हुए थे। और यहाँ तक कि इन जो व्यक्तित्व के साथ, पुरुषों के साथ साथ में यहाँ की कुछ महिलाएं थी जिनका मैं नाम आपको बताना चाहूँ, उन्होंने भी क्या किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन ने उसमें क्या किया था, बड़ा ही बढ़ चढ़ करके क्या किया था, भाग लिया था। इन महिलाओं के अगर आप नाम जानना चाहोगे तो आप जान लीजिए, एक दो नाम मैं बताऊंगा, है ना। जैसे रमा देवी थी, है ना, कृष्णा कुमारी जैसी थी, महिमा देवी थी, है ना। तो ये जो यहाँ की महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जिन्होंने क्या किया था, इस जो मारवाड़ परिषद लोक परिषद इनसे जुड़ करके जो भारत छोड़ो आंदोलन इनमें अपना क्या किया था, महत्वपूर्ण जो समर्थन इन्होंने दिया था। अब देखते हैं आगे, 4 नवंबर 1947 को परिषद ने विधानसभा विरोध का क्या किया था दिवस, यहाँ कुछ दिवस मनाए गए, जैसे यहाँ कृष्णा दिवस भी मनाया गया और बाद में यहाँ क्या किया था, विधानसभा जो विरोध है उसका भी दिवस यहाँ पर मनाया गया था। अब देखो ये क्या था, यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे, क्यों, क्योंकि देखो अब अक्टूबर 1947 के अंदर जब क्या था, अब देखो भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, तब अक्टूबर 1947 में यहाँ नए मंत्रिमंडल का क्या किया गया था, गठन किया गया था, है ना। तो नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, तो जिसमें क्या थे, जिसमें क्या थे, अधिकतर जागीरदार और जो महाराजा थे उनके रिश्तेदार लोगों को उनमें लिया गया, तो इसका विरोध किया था। इसका विरोध किसने किया, इस परिषद ने किया था, और परिषद ने इसका विरोध किया और महाराजा हनुमंत सिंह का विरोध किया, और इसके विरोध में ही इन्होंने क्या मनाया था, जो विधानसभा विरोधी दिवस मनाया था। और 1948 के अंदर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो पाई थी, है ना। जब जोधपुर के महाराजा ने आखिर क्या कर दिया था, जो भारत के अंदर विलय का लेटर है उस पर क्या कर दिया था, हस्ताक्षर कर दिया था, और इसी के साथ में ही क्या हो गया था, यहाँ का जो राजनीतिक जो कार्यकर्ता, इनका जो संघर्ष चल रहा था इतने लंबे से, उस संघर्ष का अब जा करके क्या होता है, पटासेप होता है, जब जोधपुर क्या हो जाता है, वरद राजस्थान के अंदर शामिल हो जाता है। तो कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। इस समय बीकानेर के जो महाराजा थे वो गंगा सिंह जी थे,
अब गंगा सिंह जी का चरित्र हम अगर देखना चाहें तो दो तरफा चरित्र है ना। एक तरफ तो महाराजा गंगा सिंह है जो ख्याति प्राप्त प्रगतिशील विचारों के धारक थे, जिसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, नरेशों की तरफ गोल में सम्मेलन में भी भाग लिया था, है ना, और बीकानेर के अंदर जो प्रतिनिधि संस्था की भी स्थापना की थी, और बाद में यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली उसकी स्थापना की, उसका अधिवेशन भी बुलाया, उसके सदस्यों की संख्या भी समयानुसार इन्होंने बढ़ाई, राज्य के अंदर जो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करके जो स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की थी, ग्राम पंचायतों के अंदर इन्होंने फौजदारी और प्रबंध संबंधी जो निश्चित अधिकार भी दिए थे, इसके अलावा बीकानेर राज्य में म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की भी इन्होंने स्थापना की थी, है ना। और राज्य के अंदर जब रीजेंसी काउंसिल का समय था उसमें उर्दू को सरकारी भाषा बना दिया ना, राजकीय भाषा, तो बाद में उसको बदल करके वापस क्या कर दिया था इन्होंने, हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बना दिया था। यानी तो इस तरीके से हम देखते हैं तो महाराजा ने बहुत ही अच्छे काम किए थे, है ना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इनका दूसरा पक्ष, यानी ये बीकानेर के राज्य के अंदर क्या था, ये किसी भी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन नहीं चाहते थे, राजनीतिक आंदोलन स्वतंत्र, इसको इन्होंने पूरी तरीके से कुचला था। यानी दूसरा जो पक्ष इनका था बड़ा ही कूटता था, इन्होंने कई सारे के दमनकारी कानून बनाए, जिसमें 4 जुलाई 1932 का जो बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून है जो बड़ा ही खतरनाक कानून था। इसके अलावा इन्होंने प्रेस पर रोक लगा दी थी, किसी प्रकार की राजनीतिक जो गतिविधियां अपने राज्य के अंदर क्या करने दी, इन्होंने पनपने ही नहीं दी, है ना। तो ये वो स्थिति थी जो क्या करती है इनके दोहरे चरित्र को क्या करती है, उजागर करती है। तो फिर क्या था उसके बारे में हम अब क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब देखते हैं प्रारंभ के अंदर, यानी बीकानेर के अंदर जो राजनीतिक चेतना है वो किसके शासनकाल में आई थी, महाराजा गंगा सिंह के काल में। और इस क्षेत्र के जो राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय किसको था, तो मुख्य रूप से ये श्रेय किसको था, स्वामी गोपाल दास जी को था। इसके अलावा यहाँ बीकानेर क्षेत्र के इस समय के प्रारंभिक नेता कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास जी थे। इन्होंने क्या किया था, चुरू के अंदर 1907 में चुरू में इन्होंने सर्वहितकारी सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। इस संस्था ने कुछ जनता को अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए मुख्य काम किए थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, जो लड़कियों की जो शिक्षा है उसके लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की। इसके अलावा अनुसूचित जो जातियां उनकी शिक्षा के लिए इन्होंने क्या की थी, कबीर पाठशाला की स्थापना की। और साथ में इन्होंने यहाँ पर क्या था, इसने शिक्षा की मांग की, और साथ साथ में यहाँ पर क्या की, जो स्वशासन है उसकी भी मांग करती, और साथ में इन रचनात्मक जो कार्य किए जा रहे थे इन कार्यों से बीकानेर के महाराजा बड़े आशंकित हो उठे, और इन्होंने इस सभा को क्या बता दिया, एक षड्यंत्र बता दिया, है ना। तो इस सभा को उन्होंने षड्यंत्र बता करके इस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया, यानी इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगा करके फिर क्या हुआ, आपको पता ही है, आशंकित होकर के इस पर जब प्रतिबंध लगा दिया और इनको भी यहाँ से क्या कर दिया था, कुछ समय के लिए निर्वाचित कर दिया था कि आप अब है ना बीकानेर के अंदर क्या है, नहीं दिखने चाहिए। यानी ये किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं वो अपने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहते, यानी उसके प्रफुटन से पहले ही वो क्या कर देते थे, उनका दमन कर देते थे। तो दो तरफा जो पक्ष मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अब इसके बाद में और भी बहुत सारी घटनाएं, लेकिन जो आपके सिलेबस के अंदर है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। उसमें एक महत्वपूर्ण घटना थी, अप्रैल 1932 में लंदन में महाराजा जब गोलमेल सम्मेलन के अंदर भाग लेने गए। आपको ध्यान रखना ये कौन सा गोलमेल सम्मेलन, दूसरा गोलमेल सम्मेलन, 3 गोलमेल सम्मेलन हुए थे। तो दूसरा गोलमेल सम्मेलन जब इसमें ये भाग लेने के लिए अप्रैल 1932 में वहाँ पर गए हुए थे, तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बाकी 2 गोलमेल सम्मेलन कब आयोजित किए गए थे उनका समय आपको बताना है। तो जब महाराजा जो गंगा सिंह जी इस गोलमेल सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए लंदन के अंदर गए हुए थे, और इस सम्मेलन के अंदर क्या जब वो भाषण दे रहे थे, है ना, बड़े ही जोर शोर से, है ना, तो उस सम्मेलन के अंदर बड़े ही जोर शोर से जब
भाषण दे रहे थे कौन, गंगा सिंह जी। उसी समय इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड सेकी, जिसको बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने क्या दिया था, बीकानेर दिग्दर्शक नामक एक पैम्फलेट बांटा था। तो इन्होंने जो अध्यक्ष थे लॉर्ड सेकी, जब महाराजा अपने जोश के साथ में विचार व्यक्त कर रहे थे, तो उन्होंने उनके ठीक सामने वो क्या कर दिया, ज्ञापन रख दिया। उस ज्ञापन पर उन्होंने लिख दिया था लॉर्ड सेकी ने कि बीकानेर के महाराजा को इसका क्या देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो इस पैम्पलेट को देख करके महाराजा अत्यधिक वहाँ लज्जित हुए और खुद को उन्होंने क्या किया, बढ़ाई अपमानित हुए, यानी खिन हो गए बड़ा। और खिन होने के बाद में वो गोलमेल सम्मेलन समाप्त होता है। इससे पहले ही वो क्या आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। अब भारत आकर के वो क्या करते हैं, बीकानेर में वास्तविक दमन का, इसमें क्या था जो ये कानून था उसमें बीकानेर की जो वास्तविक दमनकारी जो नीतियाँ उसका क्या किया था, खुलासा किया था, है ना। तो इसी कारण महाराजा लौट कर वापस आते हैं और वापस आकर के 1932 के अंदर बीकानेर सार्वजनिक सुरक्षा कानून क्या कर देते हैं, ये राज्य के अंदर लागू कर देते हैं, जिसमें स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सराप, खूबसंद चराप आदि को बीकानेर षड्यंत्र, ये ध्यान रखना इस केस का क्या नाम इन पर चलाया गया था, बीकानेर षड्यंत्र, जो बीकानेर दिग्दर्शन नामक इनको पर्चा लंदन के अंदर प्रकाशित करवाया था, उस कारण बीकानेर राज्य के अंदर इन पर बीकानेर षड्यंत्र नामक केस चलाया गया, क्योंकि महाराजा के वहाँ सम्मेलन के अंदर बड़ी बेइज्जती होती, तो जिसमें इनको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन यहाँ के यानी इन लोगों ने क्या किया, गिरफ्तार करने के बावजूद भी इन्होंने संघर्ष किया और इस काले कानून का इन्होंने क्या किया था, निरंतर विरोध जारी रखा था। अब जब ये विरोध चल रहा था, इसी दरमियान जो इसमें मुख्य लोग थे, जैसे वकील मुक्ता प्रदास, मग्गाराम वेदेल, लक्ष्मीदास है, रघुवर दयाल गोयल है आदि, इन्होंने क्या की थी, बीकानेर के अंदर बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना का प्रयास किया था। तो उसी दिन 4 अक्टूबर 1936 को इनको क्या कर दिया कि भाई कोई प्रजा मंडल यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से भाग जाओ, राज्य से इनको निर्वाचित कर दिया, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो बाद में बीकानेर जो राज्य प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के 1936 में होती है, और कहाँ पर होती है, कलकत्ता के अंदर, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, मग्गाराम वेद, यानी इसके संस्थापक कौन होते हैं, मग्गाराम जो वेद हैं उनके द्वारा क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर प्रजामंडली वो एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता के अंदर हुई थी, जहाँ पर क्या करें, अधिकतर कलकत्ता के अंदर जो मारवाड़ी प्रवासी रह रहे थे, तो उनके सहयोग से ही इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके अलावा वहाँ पर जो मग्गाराम जी ने एक बीकानेर की थोती पोती नामक पुस्तिका भी प्रकाशित करवाई थी, जिसमें जो महाराजा गंगा सिंह है उनके द्वारा किस तरीके से राजनीतिक आंदोलन को कुचला जा रहा था, उसके बारे में इसके अंदर क्या था, बताया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक अगली राजनीतिक संस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था, यही सारे यहाँ के आंदोलन चलाती है, क्योंकि देखो एक तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बार इन नेताओं में क्या था, समन्वय नहीं होता, तो इस कारण ये नहीं चलती। तब ये रघुवर दयाल गोयल, ये भी वकील थे, तो वकील रघुवर दयाल गोयल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की क्या की थी, स्थापना की थी। तो मैंने एक शायद वीडियो अपलोड कर रखा, उसमें सारों को मैंने ट्रिंग के माध्यम से याद करवाया है प्रजा मंडल को, का जो 10वीं कक्षा का वीडियो, उसमें आप देख लेना सबको ट्रिंग के माध्यम से, और बाद में इसके लिए अलग से भी हुआ तो मैं ले आऊँगा, तो वहाँ जाकर जिसमें ये प्रजा परिषद वगैरह सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसकी स्थापना किस लिए की थी, इसका उद्देश्य था महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की क्या करना था, स्थापना करना था। अब इसका लक्ष्य यही था, लेकिन 7 दिन बाद ही क्या कर दिया, रघुवर दयाल को भी वही स्थिति, गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कहा भाग जाओ बीकानेर से, यानी इनको क्या कर दिया, निर्वाचित कर दिया। तो इस तरीके से महाराजा जो गंगा सिंह ने बड़े निरंकुश थे, तो अपने निरंकुश शासन द्वारा क्या किया, यहाँ के कार्यकर्ताओं को संगठित होने ही नहीं दिया था, इस कारण वो कोई ऐसा खास काम इस क्षेत्र के अंदर नहीं कर, यहाँ तो यहाँ कार्यकर्ताओं को तो क्या, उन्होंने अपने प्रभाव के कारण बीकानेर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट की भी नियुक्ति नहीं होने दी थी अपने समय में, और अंग्रेज सरकार को कहते रहे थे कि जो बीकानेर राज्य वो राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरीके से सुरक्षित, अब सुरक्षित थे ये किस तरीके का क्या कर रहे थे, दमन कर रहे थे, तो राज्य क्या है, सुरक्षित था।
अब क्या होता है, 1943 में गंगा सिंह की मृत्यु होती है और इसकी मृत्यु के साथ शार्दुल सिंह क्या बनते हैं, यहाँ के महाराजा बनते हैं। तो शार्दुल सिंह तो गंगा सिंह से भी दो कदम आगे थे, यानी वे भी क्या करते थे, दमन में विश्वास रखते थे। अब देखते हैं 26 अक्टूबर 1944 के अंदर एक जो बीकानेर के अंदर कुछ दिवस मनाए गए, इनको ध्यान रखना, बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, तारीख क्या है, 26 अक्टूबर 1944 बीकानेर दमन विरोधी दिवस था। अब तो ये था क्या, है ना। अब देखो यहाँ ये सारी एक घटना को पूरा मैं आपको परिप्रेक्ष्य, ये और जो दूध अखाड़ा के अंदर किसानों का दमन किया, ये सभी पूरी घटना को आपको, अब देखो राज्य के अंदर जो दूध अखाड़ा गाँव था, उस गाँव का जो ठाकुर था सूरजमल, वो क्या करता था, वहाँ जबरदस्ती जो लगान की गया या और कोई वसूली कर रहा था लोगों से जबरदस्ती से। अब लोगों ने कहा भाई लगान वगान के अलावा ये कोई एक्स्ट्रा वसूली हम नहीं देने वाले, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ एक किसानों के नेता थे हनुमान सिंह, वो बीकानेर के महाराजा से मिलने के लिए जब गए, तो अब देखो उनकी शिकायत सुनने की अपेक्षा महाराजा ने उनको क्या किया, बड़ा अपमानित किया और गिरफ्तार करके जेल में ठोक दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या था, अब देखो एक तरफ तो सूरजमल के अत्याचारों से यहाँ के दूध अखाड़ा के किसान बड़े परेशान थे, दूसरी तरफ जो हनुमान सिंह को भेजा बात करने के लिए, उनको भी क्या कर दिया, बीकानेर राज्य ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ था, यहाँ के जो किसान थे, है ना, बीकानेर प्रजा परिषद थी, इसके मार्गदर्शन के अंदर इनके निर्देशों के अनुसार यहाँ के किसानों जिसमें कुछ स्त्रियाँ भी थी, उन्होंने यहाँ दूध अखाड़ा के अंदर क्या किया था, एक मग्गाराम जो वेद थे, मग्गाराम वेद, उनके नेतृत्व में क्या किया था, आंदोलन किया था। इस समय तक उनका क्या था, जो निर्वाचन वो खत्म हो गया था, क्योंकि उनको 6 साल के लिए ही राज्य से क्या किया था, निष्कासित किया था। तो ऐसी स्थिति में जब देखो यहाँ पर किसी भी प्रकार का ये सम्मेलन नहीं हो रहे थे, तो उसी समय इन्होंने 26 अक्टूबर 1944 को जो बीकानेर दमन विरोधी दिवस इस क्षेत्र में मनाया गया। खास बात क्या, जो बीकानेर राज्य के अंदर क्या था, प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। इससे पहले यहाँ किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति राज्य देता ही नहीं था। किसी भी प्रकार का कोई संगठन बनाया जाता तो बनाने से पहले उस संगठन की क्या कर दी जाती थी, पूर्ण हत्या कर दी जाती थी, है ना। तो ये इस समय क्या था, शार्दुल सिंह के समय, जो गंगा सिंह के समय तो ऐसा कोई सार्वजनिक प्रदर्शन होने नहीं दिया, तो शार्दुल सिंह के समय में यहाँ पर क्या हो गया था, इसका प्रदर्शन का आयोजन किया था। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि बीकानेर के अंदर जो बीकानेर दमन विरोधी जो दिवस है वो क्यों मनाया गया था, क्या था, इसके बारे में आप जान लिए। अब देखो आगे क्या होता, दूध व खारा के अंदर जो किसान थे, किसानों ने क्या किया, इस दमन के विरोध में प्रजा परिषद के सहयोग से आंदोलन शुरू किया, जो मैंने आपको बताया कितनी थी, 300 महिलाओं ने इसके अंदर क्या लिया था, भाग लिया था। और इस भाग लेने के साथ साथ में इन्होंने क्या किया था, यहाँ अत्याचारों का क्या किया था, विरोध किया था। किसका, सूरजमल के अत्याचारों का। तब यहाँ पर क्या किया था, थोड़ी ये गोलाबारी भी करते हैं और इस गोलीबारी के अंदर क्या किए जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मारे भी जाते हैं। इसके अलावा जो रघुवर दयाल गोयल होते हैं उनको गिरफ्तार करके क्या कर दिया, यहाँ से कहाँ भेज दिया जाता, बाहर निकाल दिया जाता। अब जब क्या था, जैसे दिल्ली से कुछ समाचार, जैसे प्रिंसली इंडिया था और रियासती था और जो अजमेर से प्रकाशित होता था त्यागभूमि, जैसे समाचार और पत्रों के माध्यम से बीकानेर के लोगों ने भी क्या किया, जो बीकानेर में होने वाले दमन को प्रकाशित करवाया। तो क्या हुआ था, मार्च 1940 में प्रेस अधिनियम पारित हुआ, इसके द्वारा प्रेस पर भी क्या लगा दिया गया, इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब देखो इस दरमियान अब हो क्या रहा था, इसी बीच भारत में राजनीतिक स्थितियां क्या हुई, बड़ी तेजी से बदली और महाराजा को क्या करनी पड़ी, उत्तरदायी शासन की घोषणा करनी पड़ी थी, है ना। कब घोषणा करते हैं, 21 जून 1946 को ये उत्तरदायी शासन की स्थापना की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। और जो गिरफ्तार किए के जो नेता थे उनको भी क्या करते हैं, ये जेल से छोड़ देते हैं। लेकिन एक तरफ तो ये क्या करते हैं, उत्तरदायी जो शासन स्थापना की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ क्या करते हैं, राज्य के अंदर किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होने देते, राज्य में जो धारा 344 लगा देते, इसके अलावा ये गोलीबारी भी करवा देते। ये कब होती है, 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद का सम्मेलन हो रहा था यहाँ पर।
तो यहाँ पर प्रजा परिषद ने अपना क्या किया, सम्मेलन बुलाया था, जो श्री सत्यनारायण सराफ थे उनकी अध्यक्षता के अंदर यहाँ सम्मेलन हुआ था। अब इस सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी की। देखो गोलीबारी क्यों की थी, देखो यहाँ एक बात ध्यान है कि बीकानेर राज्य के अंदर कोई जो प्रजा परिषद था उसको सम्मेलन करने की कोई मनाही नहीं थी। बीकानेर राज्य में जो तिरंगा झंडा था जो कांग्रेस का जो फहरा रहे थे उस झंडे को फहराने की मनाही थी। अब लेकिन यहाँ के लोग तो क्या थे, अब बड़ी मात्रा में यहाँ तो झंडा फहराने के लिए बड़े तत्पर हो रहे थे, तो इन्होंने माना नहीं और इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ बीकानेर का झंडा फहरा दिया। क्योंकि बीकानेर के महाराजा ये मानते थे कि तिरंगा झंडा कांग्रेस का है और ये बीकानेर रियासत एक स्वतंत्र है, तो रियासतों के मामले में कांग्रेस का झंडा नहीं फहराया जा सकता, रियासत के अंदर सिर्फ बीकानेर का ही झंडा क्या किया जाएगा, फहराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, जो श्री सत्यनारायण सराफ जी और उनके साथ में जो लोग आ रहे थे कुछ कार्यकर्ता, उनके हाथ में तिरंगा झंडा था, तो जब उन्होंने क्या किया था, तिरंगा झंडा इनके हाथ से क्या किया था, छीन लिया है ना, तो तिरंगा झंडा छीनने की कोशिश की, जिसमें तिरंगा झंडा उस समय कौन धारण कर रहा था, बीरबल नाम का एक युवक था उसके हाथ में था। पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज की लेकिन वो फिर भी नहीं माना, आगे बढ़ता गया, तब क्या कर दिया, उस पर गोलीबारी कर दी गई थी। तो इस गोलीबारी के अंदर 30 जून 1946 को एक बीरबल नामक जो इसका कार्यकर्ता था वो शहीद हो गया था, और उसकी याद के अंदर बीकानेर के अंदर 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। ये पटवारी या किसी एग्जाम में आया था क्वेश्चन की बीरबल दिवस किस रियासत के अंदर मनाया गया था, तो इस रियासत के अंदर ये क्या मनाया गया था, बीरबल दिवस मनाया गया था। तो अब ये घटनाएं चल ही रही थी, इसी दरमियान जो भारत के अंदर जो सत्ता हस्तांतरण की बात सामने आई, तो इन बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तांतरण के जब लक्षण दिखने लगे, तब यहाँ के महाराजा शार्दुल सिंह ने क्या किया, प्रजा परिषद पर से प्रतिबंध हटा दिया, उनको वापस कार्यालय स्थापित करने दिया, उनके नेताओं को क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया था, ठीक है ना, जिसमें रघुवर दयाल गोयल थे और चौधरी कुंभाराम थे, उनको क्या कर दिया गया था, जेल से रिहा कर दिया गया था। और फिर से यहाँ पर कुछ इन लोगों ने मिलकर के कार्रवाई प्रारंभ की। तो इन्होंने जब महाराजा के ऊपर क्या किया था, दबाव डाला था, तो ऐसी स्थिति में 1946 में महाराजा ने संविधान के गठन के लिए क्या की थी, दो समितियां बनाई थी बीकानेर राज्य के, जो संविधान के लिए महाराजा ने दो समितियां बनाई थी, एक तो का नाम था संवैधानिक समिति और दूसरे का नाम था मताधिकार समिति। अब इस समिति की स्थापना के बाद में दोनों के बीच में एक समझौता होता राज्य और इस प्रजा परिषद के बीच में, जिसमें ये निश्चित किया जाता कि अंतरिम सरकार बनी जाएगी और संविधान के अंतर जो धारा सभा है उसके क्या करवाए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट लागू करने का आश्वासन तो दिया था इन समितियों की और जो समझौता हुआ, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की जो बात थी वो भी बात स्वीकार नहीं की गई। तो इसका कारण क्या था, वो अधूरी रह गई थी इनकी मांग, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। और बाद में चल करके ये जो प्रजा परिषद है वो भी इस समझौते को लेकर के दो गुटों के अंदर बंट गया था। इसी दरमियान हम देखते हैं कि यहाँ पर मंत्रिमंडल का क्या होता है, गठन होता है। बीकानेर राज्य किसके नेतृत्व में करता है, जसवंत सिंह दाऊद सर के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन करता है। हालांकि प्रजा परिषद के लोगों को भी इसमें क्या किया जाता, शामिल किया जाता है, लेकिन प्रजा परिषद इसे अस्वीकृत कर देती है और अपने मंत्रियों जो उसके मंत्री थे प्रजा परिषद की तरफ से वो क्या कर देते, इससे इस्तीफा दे देते। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या था, संघर्ष चलता ही रहता है। इसी दरमियान 30 मार्च 1949 को बीकानेर राज्य जो वरतर राजस्थान का गठन होता, उस गठन में क्या हो जाता, शामिल हो जाता है। तो इसके शामिल होने के साथ ही जो रघुवर दयाल गोयल, उनको हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के अंदर क्या कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता। तो इस तरीके से जो बीकानेर राज्य के अंदर जो प्रजा मंडल आंदोलन है वो राजस्थान के अंदर गठन के साथ ही क्या होता है, ख़त्म होता है। तो कैसा लगा ये प्रयास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे जैसलमेर राज्य प्रजामंडल के बारे में, ऐसे ही हम क्या करेंगे, बड़े डिटेल से आपको बताएंगे। धन्यवाद।